अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह के करम से उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ये जो भाई एक ज़ात जुदा लेके आया था इसको वैक्सीन देने वाले हैं, तो बनाने का तरीका और पिलाने रखना कैसे है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो नए लोग हैं उनको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा, और अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम वैक्सीन कौन सी देने वाले हैं। चल दोस्तों ये वैक्सीन है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, और ये हमारे पास है ना 1000 चूज़ा है, और ये होती है 1000 चूज़े के लिए, और हमारे पास 4000 चूज़ा है तो हम इसको 4 डोज देंगे। ये 4 है मेरे पास, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इसको बनाने का तरीका ये होता है दोस्तों कि हम इसको बाहर ओपन नहीं रख सकते, अब हम इसको बारी बारी खोलेंगे और पानी में ही इसको ले जाके इसके ऊपर से ढकना भी उतारेंगे और इसको हल करेंगे। हम इसके बाहर से ऊपर ऐसे ऊपर से ढकन नहीं उठा सकते इसके, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो नए लोग होते हैं, ये ऊपर से इसको उठा लेते हैं, फिर वो इसका असर जो है वो आप लोगों को चूज़े को अच्छा नहीं होता और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। और इसका तरीकाकार ये होता है, आप देखते रहिए, ऐसे उठाया और आपने ऐसे उतार लेना है, ठीक है। ये पकड़ लिया और इसको है अंदर से हल करना है हमने, ये दोस्तों बिल्कुल साफ हो चुकी है, आपको दिखाई दे रही है। और चारों हमें इसी तरीके से हम इनको हल करेंगे, क्योंकि पानी के अंदर जाके आपने हाथों डालना है और इसको हल करना है। दोस्तों 5-7 मिनट लग जाते हैं इसको हल करते हुए, आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ठीक है। फिर बर्तन में डालना है ये पानी, और ये हाथ से ही मिक्स होता है पानी, अगर किसी चीज़ से आप लाएंगे तो वो इस तरह अच्छा नहीं मिक्स होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ एक ये 3 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि हर एक का एक अलग अलग मैंने आपको स्टेप दिखाया है। एक जो 2014 था उसका मैंने आपको दिखाया था कि पानी गर्म करके इसको कर, तो वो हमने पिलाया नहीं था, वो हमने कतरे हर एक चूज़ा पकड़ के उसके मुंह में कतरे डाले थे, इस वजह से हमने वो पानी गर्म किया था। दूसरा जो 1000 चूज़ा था उसके लिए भी यही काम किया था हमने, पानी गर्म करके उसको मिक्स करके, क्योंकि ये 4 हैं और इसका काम भी ज़्यादा है, जो बड़े फार्मर होते हैं उनको तो ये वो काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और उसने आना तो इसी पानी में होता है, ठीक है। और अगर जो ज़्यादा चूज़ा होता है जिनका ज़्यादा काम होता है, ये सिंपल तरीका होता है और आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और आप इसी तरह पानी लें और इसमें आप मिक्स करके आराम से बना सकते हैं। ये 3 स्टेप जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और आपने को मैंने ये चीज़ वाज़े फ़र्क भी बता दिया है कि किस लिए मैंने ये 3 स्टेप अलग अलग आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो चुका है पानी हमारा, वैक्सीन हमारी हल हो चुकी है, और अब हम इसको बर्तन में डालेंगे। और आपने ये ख्याल रखना है कि आपका चूज़ा कितना पानी पीता है, अगर आप पानी ज़्यादा होगा तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप ज़ाया करेंगे तो उसको एक अंदाज़ा रख के इसको ये अपने चूज़े को आपने चिक्स को ये चीज़ दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। हाँ जी दोस्तों, ये जो हमने वैक्सीन तैयार की थी ये हमने डब्बे रख दिए हैं, ठीक है, और इधर एक जवान अभी रख रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख रहे हैं
ये दोस्तों थोड़े चूज़े जो है ना नॉर्मल हैं, इन्होंने इलाज किए हुए हैं। असल तरीका भी यही होता है, जो चूज़ा अच्छी तरह खा पी ना रहो उसको इलाज कर दो तो वो ठीक हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देगा।